हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको कोरल ड्रा की कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स बताएंगे जो कि आपके काम को बिल्कुल मिसाइल रॉकेट के जैसे तेज कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स जो कि आपको शायद कहीं ना पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शॉर्टकट है, जैसे हमें कुछ लिखना है डायरेक्ट, हम यहाँ पर रहते हुए कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें शॉर्टकट F9 जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम एक कोई सी भी लाइन को खींच सकते हैं। किसी भी लाइन को खींचने के लिए हम F5 का इस्तेमाल करेंगे तो ये हम लाइन को खींच पाएंगे। और हमको अगर कहीं कुछ लिखना है तो इसके लिए हमें F8 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर जो भी चाहे लिख सकते हैं। ये देखिए F8, जस्ट F8 प्रेस करेंगे और आप टाइपिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर रहते हुए अगर हम चाहें कि इसका कलर, कोरल ड्रा का हम कलर बदलना चाहें, तो सिंपल सा आपको अपने कीबोर्ड पर G प्रेस करिए, सिर्फ G प्रेस कर दीजिए और फिर यहाँ पर इसे क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दीजिए, आपके पास एक कलर बॉक्स खुल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप पूरे कलर को अपने हिसाब से, ये देखिए, ये पूरा कलर को अपने हिसाब से जैसा कलर चाहें वैसा कलर आप यहाँ से पसंद करके आप लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये हुआ हमारा जी से हम जो चाहें वो कलर यहाँ पे बदल सकते हैं। और हम चाहें इसको आउटलाइन यहीं पर रहते हुए बदलना है तो हम सिंपल F12 प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और ये हम यहाँ से इसका, नो, हम शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे। जब शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम आप इसका आउटलाइन को बदल देंगे और जी के प्रेस करने के बाद हम इसका अंदर का कलर बदल सकते हैं। और मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से कलर को अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर देंगे। और मान लीजिए कि हमको यहीं पर रहते हुए टेस्ट को छोटा बड़ा करना है तो बस सिंपल सा यहीं पर किसी भी टेस्ट में बिना कुछ किए आप यहीं पर डबल क्लिक करिए, आप टेस्ट के अंदर आ जाएंगे और इसको Ctrl+A कर दीजिए। Ctrl+A करने के बाद आप सिर्फ कंट्रोल बटन के साथ 4862 को जब प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट छोटे बड़े हो जाएंगे। देखिए छोटे बड़े हो रहे हैं। और यहीं पर रह के अगर हम मैं अपने इमेज पे यहीं पर रह के हम इसको टेस्ट को ऊपर यानी कैपिटल इस्तेमाल रखना चाहें तो सिलेक्ट ऑल कीजिए और शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपको सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पे आप ऊपर नीचे जैसा भी अपना रखना चाहें वैसा सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ये सेट वैसा हो जाएगा। और यहीं पर रहकर हम चाहें इसको बोल्ड अनबोल्ड करना चाहें तो बस ये भी यहाँ पे भी सिंपल सा तरीका है, सेलेक्ट ऑल कीजिए और यहीं से कंट्रोल के साथ B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। जैसे अभी ये फॉन्ट का बोल्ड फंक्शन यहाँ से इस पर नहीं लागू होता तो हम लोग दूसरा फॉन्ट पे चेक करेंगे। ये देखिए Ctrl+A कीजिए और कुछ फॉन्ट पर आपको पता ही होगा कुछ फॉन्ट पर बोल्ड काम नहीं करता, हम लोग सिंपल एरियल लेके चेक करते हैं। और उस पर हम लोग देखते हैं अपने शॉर्टकट को। देखिए जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, हम इसको यहीं पर रह के बोल्ड करना चाहें Ctrl+A से सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+B से बोल्ड कर दीजिए और Ctrl+I से इटैलिक हो जाएगा और Ctrl+U से इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। देखिए बिना कहीं जाए सारा काम कीबोर्ड से हो रहा है, Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाएगा, Ctrl+U से अंडरलाइन, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+B से बोल्ड।
ये आप यहीं पर रहते हुए कर पा रहे हैं, और जस्ट कंट्रोल ए करिए और शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करके आप यहाँ से इसको अपर केस, लोअर केस, मिडिल केस कर सकते हैं यहीं पर रह के। और एक शॉर्टकट आपको बता दिए, एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट होता है, जैसे हम इस फंड में कोई चेंजेस ना करना हो, हमको इसको फिक्स करना हो तो इसको, यानी कोई भी बदलाव ना हो, बिल्कुल फिक्स जाम करने के लिए हम इसको यहाँ कंट्रोल बिटमैप जाएं, कन्वर्ट टू बिटमैप पे इसको CMYK हम लोग कर देंगे, तो ये अब ये फंड बिल्कुल जाम हो गया है, एक इमेज के रूप में हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। और इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बिटमैप में जा करके, यहाँ से जो भी चेंजेस करना चाहें, ये देखिए आप इस पर अगर 3D आप करना चाहें, देखिए 3D हो गए यहाँ से, इस पर आप ये 3D इफेक्ट देखे डाल दीजिए, ये देखिए। याद रखिएगा कोई भी बिटमैप का जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद ही 3D पे काम करते हैं। और अब